नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस बीच दुनिया के अधिकतर देश जहां इस समय कोरोना वायरस के घटते बढ़ते खतरों और आर्थिक मंदी से लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका का एक देश चिड़ियों से जूझ रहा है। स्थिति यह है कि वहां की सरकार अब इन चिड़ियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर चुकी है। बेशक सुनकर आपको अजीब लगे, लेकिन ये हकीकत है। हम बात कर रहे हैं केन्या की। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ की सरकार ने करीब 6 मिलियन रेड बिल्ड क्वेलिया पक्षियों को मारने का फैसला लिया है और मारना शुरू भी कर दिया है। ये दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाली पक्षी प्रजातियां हैं। इन्हें पंख वाले टिड्डे के रूप में भी जाना जाता है। ये पक्षी गेहूं, जौ, चावल, सूरजमुखी और मकई जैसी फसलों को खा जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि केन्या सरकार इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि बेजुबान की हत्या करने पर इतनी तुली हो। दरअसल अफ्रीकी महाद्वीप का पूर्वी भाग, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूतिया, सुडान, केन्या और दक्षिण सुडान आते हैं, भयंकर सूखे का सामना कर रहे हैं। लंबे समय के सूखे ने इन देशों में देसी घास की मात्रा को कम कर दिया है, जिसके बीज क्वेलिया पक्षियों के मुख्य भोजन स्रोत हैं। मुख्य भोजन स्रोत खत्म होने के बाद इन पक्षियों ने तेजी से अनाज के खेतों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया है। अनाज नष्ट करने की सबसे ज्यादा समस्या केन्या में ही हो रही है। रिपोर्ट्स की माने तो अब केन्या में इन पक्षियों ने करीब 300 एकड़ चावल के खेतों को नष्ट कर दिया है। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के अनुसार इन चिड़ियों का 20 लाख का झुंड एक दिन में 50 टन अनाज खा सकता है। पश्चिमी केन्या में किसान पक्षियों के कारण करीब 60 टन अनाज खो चुके हैं। अब क्योंकि इनसे नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसलिए सरकार ने इन्हें मारने का फैसला लिया है। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इन पक्षियों को मारने के लिए सरकार क्या तकनीक अपना रही है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इतिहास में कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिससे पता चलता है कि प्रकृति के साइकिल को बिगाड़ना कितना घातक साबित होता है। बहरहाल इनको मारने के लिए फेनथियन नाम के एक केमिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अफ्रीका में कीटों को मारने के लिए किया जाता था। ये कीटनाशक इंसान के लिए भी काफ़ी घातक हैं। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।